25वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने उस नेत्र अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र के पानी में फेंक दिया और आग गंगा सागर के संगर पर गिरी। उस स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक के रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा। इस बालक के रोने से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक, अतिथि, सत्यलोक तक सब लोगों के निवास बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां आ गए। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा कि अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करके उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह रही है था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में से आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुटाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बहा निकाले, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा यह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात इस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र ने नेत्र हर्ष से उत्पल फल हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्नम शासन करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।